नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। दतिया शहर के बहुचर्चित महाविद्यालय पीजी कॉलेज में शिक्षकों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें मारपीट करने वाला कोई बदमाश नहीं विद्यार्थी ही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिव्यांशु कुर्जा नामक छात्र द्वारा आए दिन कॉलेज में शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। कई बार शिक्षकों द्वारा समझाइश इसके बावजूद भी छात्र दबंगई करने से नहीं मानता था। मामला इतना आगे बढ़ा कि शुक्रवार की दोपहर लगभग 3:15 बजे के आसपास प्रोफेसर इला दुबे के साथ दिव्यांशु गुर्जर नामक छात्र ने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, जिसका विरोध करने पर कॉलेज के प्रोफेसर रिपुदमन एवं डॉक्टर मुकेश गुर्जर पर प्राणघातक हमला कर छात्र दिव्यांशु गुर्जर द्वारा किया गया। आनंद फानंद में शिक्षकों को लहूलुहान देख जिला चिकित्सालय चिकित्सा के लिए भेजा गया, जब तक मौका देख दिव्यांशु गुर्जर वहाँ से भाग निकला। मामले की तुरंत कोतवाली में जाकर प्राचार्य डी आर राहुल द्वारा जानकारी दी गई, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर कॉलेज प्रबंधन द्वारा घटना की निंदा की गई है। दतिया से खबर हरपल के लिए रनी लिटोरिया की खबर। पहले डिपार्टमेंट में उसने बदतमीजी की, गाली गलौच की, मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, फिर भी नहीं रुका, गाली गलौच की और जान से मारने की धमकी दी और नौकरी नहीं करने दूंगा कह करके भाग गया। उसके बाद में हमारा कार्यक्रम था, विदाई समारोह था, हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी आ गया पीछे पीछे और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ, एक वेश्या को जिस तरह से गंदी बातें कही जा सकती, उस तरह की गंदी गंदी अश्लील बातें और अश्लील हरकतें उसने की हैं। उसके बाद स्थिति नहीं थी हमारे यहाँ, वो ऐसा कार्यक्रम था कि हम निकल नहीं पाए और आज हमने रिपोर्ट लिखी है। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश सिंह गुर्जर है, मैं पीजी कॉलेज में क्रीड़ा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और मैं बड़े बाबूजी के पास बैठा था। सर वहाँ से आए और प्राचार्य कक्ष के सामने वो लड़का इनसे लड़ने लगा तो मैं वहाँ से दौड़ के आया, मैंने बीच बचाव किया तो किसी उस बीच बचाव करने में ही मेरे भी सिर में चोट आई है और वो लड़का आए दिन किसी न किसी, अब वो समझ में नहीं आया मैं पकड़े था या तो कुछ धारदार हथियार था या बेल्ट था, दोनों में से कोई ऐसी चीज़ थी कि जिससे मेरे भी लगी है। और वो लड़का आए दिन कॉलेज में कुछ न कुछ उदम करता है और अनसेसरी के वो समझ ही नहीं रहा। हमने बहुत समझाने की कोशिश की है, पहले भी पूर्व में मेरे साथ भी मिसबिहेव किया तो मैंने काफ़ी समझाया, मैंने ये छात्र का काम नहीं है, हमसे खेल से संबंधित बात करिए, अगर वो आए दिन कुछ न कुछ ब्लैकमेलिंग जैसे काम के। सर, पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लड़कों के साथ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे छात्रों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। वो होता है जो अभी टीआई साहब भी आए थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और पहले भी मुझे आश्वासन दिया था, ऐसा नहीं है कि वहाँ भार्गव साहब थे उस समय टीआई, उस समय जो है जब मैं मिलने गया था और अमन सिंह राठौर साहब के यहाँ भी जन सुनवाई में गया था मैं, तो उन्होंने बिल्कुल जो है आश्वासन दिया था। कोई घटना बताइए, आज जो क्या हुआ, कैसे आया, क्या आपके सर पर उसने मारा ऐसे? मैडम, मैं जो है फ्रेश होकर जो है टॉयलेट करके जो है अपने जो है डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा था और इसने जो है अचानक जो है मुझे जो है जैसे ही जो है मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ा जो है तो ये मेरा इसका आमना सामना हुआ। तो कल ये हमारे जो है विभागाध्यक्ष से जो है अपमानजनक तरीके से बात कर चुका है ये, मैं उस समय नहीं था। उसके बाद जो है इसने जो है तुरंत जो है मेरे साथ जो है बदतमीजी करने की कोशिश की, मैंने इसको जो है बोला कि बदतमीजी नहीं कर, लेकिन उसने बदतमीजी की और जो है इस तरीके की जो है उसने जो है कोई जो है चीज़ से हाथापाई की और मतलब मारने की कोशिश भी की जो है, मैंने भी अपना जो है बचाव करने की कोशिश की। इस लड़के का नाम है दीपांशु गुर्जर। क्या और लोग साथ थे क्या सर उसके? नहीं, उसके और कोई साथ नहीं थे, वह अकेला निकल रहा था प्राचार्य चैम्बर से, वो मैं इधर से जा रहा था जो है और रास्ते में हम लोगों का इस तरह से जो है सामना हुआ और उसने इस तरह से मेरे साथ ये की। और मैं बेल्ट और कोई जो आसपास जो भी चीज़ जो है उसको मैं देख तो नहीं पाया, क्योंकि जो है जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस समय जो है व्यक्ति जो है आक्रोश में होते हैं जो है, तो मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन शायद कोई भारी चीज़ कोई नुकीली टाइप की चीज़ रही होगी जो है, मुझे तो ये आवाज भी नहीं रहा कि मेरे लग गई है। इन सभी मेरे जो साथी हैं इन्होंने बीच में आज लगभग 3:20 हुए होंगे, उस दरमियान रिपुदमन हमारे जो प्रोफेसर हैं उनके साथ मारपीट शुरू हुई,
और जो लड़का था वो था दीपांशु गुर्जर। दीपांशु गुर्जर ने हमारे प्रोफेसर को मारपीट शुरू की, इस बीच में हमारे स्पोर्ट ऑफिसर भी आ गए, उनको भी चोट लगी है। तो इस तरह से उसने काफ़ी दबाव बनाते हुए, अक्सर वो हमारे यहाँ इस तरह की बात हो रही है, उसके बारे में समझाइश भी दी गई लेकिन वो समझाने वाली बात नहीं आ रही है हम सामने। तो ये दुखद है घटना, हमारे परिसर में आकर के कोई विद्यार्थी इस तरह का काम करे, कोई भी विद्यार्थी हो, कभी भी किसी के साथ कोई घटना हो सकती है, तो ऐसा होना बिल्कुल दुखद है। और हमने अभी TI साहब से इस बाबत अपनी बात बता दी है कि ये घटना काफ़ी दुखद है।